विनोद सहरावत एक ऐसा नाम जो अब जाट महासभा गोहाना के भी अध्यक्ष हैं और उन्होंने एक बड़ा मिशन शुरू किया है कि जाट भवन बनाकर तैयार करना है। आखिर उनका संघर्ष अब तक कितना कामयाब हुआ है? अध्यक्ष जी, आपने जो तैयारियां अब तक की है, आखिर किस तरह का भवन की कल्पना की है और अब आपको अध्यक्ष का मौका भी जनता ने दिया? जी, इतना बढ़िया भवन बनाओगे, आने वाले जो भी बाहर का 36 बरादरी का आदमी जो भी रात को रुकना है, हरेक का रुकने का स्थान बनाओगे ऐसा। ये मेरे से पहले ये 28 तारीख को मीटिंग हुई, उसमें मैं मेरे को सर्व समिति से प्रधान चुना गया। इससे पहले मेरी गोहाना जाट महासभा की कार्यकारिणी थी, जो उन्हीं ने 3 साल का उनका समय पूरा हो गया था और उन्होंने वो जगह लेकर ने और समाज को सौंप दी। बहुत भाग दौड़ करके सरकार से मिलकर सारा सहयोग रहा हर एक का, जैसे मुख्यमंत्री का भी रहा, डीसी साहब का भी रहा, ये हमारे जिला पार्षद है विरमाणी चेयरमैन इनका भी रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे समाज का भी, भाईचारे का भी, सब ने भाग दौड़ कर उसको एक महीने का जब टाइम मिला था, अगर पेमेंट बढ़ी है एक महीने में जगह मिलने के बाद, उसमें भी हर एक को उत्साह हो गया, चंदा बढ़ चढ़ कर चंदा दिया लोगों ने और उसकी पेमेंट कर दी एक महीने के अंदर अंदर। बनने वाला है, योजना क्या तैयार की गई? इस तरह का बनाओगे, हालांकि इतना तो बड़ा नहीं कहना चाहिए, भी लगभग जो भैया का सहयोग है, समाज का सहयोग और 36 बरादरी का सहयोग लेकर ने ऐसा बनाओगे, देखने योग्य चीज होगी। अच्छा, भवन में कितने रूम बनाने की योजना है और कब तक काम शुरू होने की संभावना? ये जो जमीन ली थी, अभी नक्शा पास नहीं हुआ है, अभी जो डिसाइड समाज करेगा, कार्यकारिणी कमेटी, वो नक्शे न पास करवा क्लिक करेगी, हाँ ये ठीक है। जब नक्शा ऊटा सेक्टर से पास होगा, उसके बाद में डिसाइड होगा भाई इसमें कितने हॉल होंगे, कितने कमरे होंगे। अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि गोहाना में जाट भवन जो है वो जल्द ही मिलने वाला है और 36 बिरादरी के लिए वह भवन होगा, कोई भी आकर उसमें रुक सकता है। यह एक नेकी का कार्य है जिसको लेकर आगे अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य तेज गति के साथ शुरू कर दिया गया है। राजेश खत्री, गोहाना, सोनीपत।